हाय गाइस, होप आप अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम चलते हैं अल्मोड़ा के एक प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन के लिए। तो हम निकल पड़े हैं घर से और हमारे साथ पूजा की मामी और पूजा का फ्रेंड है। सो ये भी जा रहे हैं हमारे साथ दर्शन के लिए। सो मामी जी को रास्ता मालूम था तो हम वॉक इन चले आए, जो कि यहाँ के लिए बहुत कन्वीनियंट है। वॉक इन चलते चलते हमें एक मार्केट को क्रॉस करना पड़ गया, जिसमें कि ये काफ़ी अच्छा मार्केट है। बाद बाकी हमने देखा कि यहाँ पे जैसे दिल्ली में सरोजनी नगर एक मार्केट है, वैसे ही यहाँ पे भी काफ़ी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बैग, साड़ी और आपके बर्तन वगैरह, यहाँ पे इस मार्केट में सारी चीज़ें प्रॉपरली मिलती हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है, काफ़ी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मामी से पूछने के बाद पता चला कि ये मार्केट का नाम लाल बाजार है। सो मार्केट तो काफ़ी अच्छा था, बट प्रोडक्ट्स दिल्ली के मुताबिक थोड़े से कॉस्टली हैं, बट ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग वगैरह ये सारा मिला के। सो गाइज, हम मंदिर पे पहुंच गए हैं और यहाँ से थोड़ी सी छोटी सीढ़ी चढ़ने के बाद हमने यहाँ से एंट्री करी। और एंट्री गेट देखिए काफ़ी ओल्ड है, मतलब काफ़ी पुराना मंदिर है, जो कि इसको प्रसिद्ध भी करता है इसी वजह से कि ये काफ़ी पुराना भी है और लोग यहाँ पे काफ़ी मन्नतें वगैरह मांगते हैं या मन्नतें मांगने के बाद पूरी करने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। हम भी चलते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा सा घूमते हैं, यहाँ के दृश्य वगैरह आपको दिखाते हैं। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा साइड से भी इसका व्यू दिखाता हूँ। बाद बाकी हम चलते हैं मंदिर के अंदर। सो मंदिर तो बहुत ही अच्छा है और बाद बाकी थोड़ा लुक वाइज थोड़ा पुराना है, अच्छी बात है क्योंकि इधर काफ़ी पुराना मंदिर है, इसकी मान्यता है, तो काफ़ी पुराना दिखता भी है ये उसी हिसाब से। तो आप भी देख सकते हैं काफ़ी ओल्ड मंदिर है और भगवान जी को आप देखिए सामने, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये साइड्स के व्यूज़ भी देखिए आप, मंदिर में कितना सुंदर, मतलब अच्छा बनाया हुआ है। मंदिर तो काफ़ी अच्छा लगा, होप सो कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बारे में सिर्फ सुना ही था, आज देख भी लिया। रुको 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 गाइस, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।